इस बीच कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो कईयों की लिस्टें आनी अभी भी बाकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर पिछले 6 बार से अनिल विज विधायक रहे हैं और अब भी भाजपा ने अनिल विज को जो है वो अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अंबाला छावनी विधानसभा की जनता है हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ उनके विचार जो है वो आने वाले चुनावों को लेकर बने हुए हैं। तो जी, चुनाव आ गए हैं, क्या सोचते हैं कि अनिल विज ने पिछले 6 बार विधायक रहे हैं, कितना विकास किया है? बस विकास तो देखो, रोड पहले दिख रही है, क्या विकास है? आम जनता के तो रोड अच्छी चाहिए और क्या, महंगाई कम होनी चाहिए, ये सब चीजें। तो क्या कुछ उम्मीदें करते हैं? तो महंगाई कम हो, रोड सड़क बढ़िया बनाए और क्या, इधर से कोई रोड निकाले, लोग परेशान इतना होते हैं, इधर एक गाड़ी बड़ी आ जाती है फिर इतनी जाम हो जाती है, लोग के निकलना मुश्किल है, यही सब जनता के सही और क्या चाहिए। चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, किनको सोच के वोट करना है? वोट तो जिनको देना है देना है, बस ग्वाल मंडी सब गंदगी वगैरह अम्बाला से हटनी चाहिए, रजिस्ट्री खुलनी चाहिए, आम जनता के लिए कुछ व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और कुछ बेटी बहू के लिए कुछ व्यवस्था सही नहीं है, दिनों दिन गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। पिछले कई साल से भाजपा रही है, कैसा रहा? ठीक है ठाक रहा, जो होना चाहिए वो तो रहा नहीं, बस इससे ज्यादा मैं। युवाओं से बात कर लेते हैं, तो चुनाव आने वाले हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो जी बेरोजगारी, हरियाणा नंबर वन हो चुका है, ठीक है जी। और दूसरा मुद्दा ये है जी, पहले से 72 कंडीशन हो गई है जी हमारे यहाँ निकासी की पानी की, ठीक है जी। आधे घंटे की बारिश होती है, इतना पानी भर जाता है, 2-3 दिन लग जाते हैं जी निकलने को, तो सबसे बड़े मुद्दे तो यही है जी। उसके अलावा बतौर युवा क्या कुछ मांग करेंगे? देखो जी, रोजगार, ठीक है, हर घर सरकारी नौकरी मिले हर एक घर से, ठीक है जी। और हर तरीके से प्रेफरेंस दे जी आर्मी की, जैसे कि आपको पता है कि अब तो छोटी कर दी गई है नौकरी भी, तो उसको पहले ऐसा रेगुलर करे जो चल रही थी। तो 5 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या मुद्दे सोच के वोट करेंगे सभी प्रत्याशी? बदलाव चाहेंगे जी, सबसे ज्यादा बदलाव चाहिए, साफ और सीधा, पूरा युवा हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं जी बदलाव चाहता है। किस प्रकार? देखो जी, इतने टाइम से विश साहब को देखते ही आए हैं हम, बीजेपी भाजपा सरकार को देख ही लिया जी, अब परेशान है युवा, तो बदलाव चाहेगा, ठीक है जी। क्या नाम है आपका और इस बार चुनाव आने वाले हैं, वोटिंग का दिन है 5 को, क्या सोच के वोट करेंगे? ऐसा है, मेरा नाम शुभम है। मैम, बदलाव चाहिए, जरूरी चाहिए, आधे घंटे की बरसात के अंदर अंबाला झीलों का शहर बन जाता है, ऐसी कोई गली होगी अंबाला में जो पूरी बनी हुई हो, ठीक है, या जिसके अंदर पानी ना ही बढ़ता हो। आप हमारे साथ बतौर प्रैक्टिकल देख भी सकते हो, घूम के भी देख सकते हो, बहुत बड़ा गर्क हो चुका है। होम मिनिस्टर अंबाला से होकर ये हाल अगर अंबाला का है तो और क्षेत्रों को तो आप सोच ही सकते हो, ठीक है, ये रियलिटी है। परेशान सब है, बोलना कोई नहीं चाहता है, दुनिया परेशान है, भाजपा वाले खुद परेशान है, ठीक है, पर बोलना कोई नहीं चाहता है। रोजगार, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। होम मिनिस्टर अंबाला होने के बावजूद ये हाल है हमारे अंबाला का, कि वैसी सुविधाएं है नहीं जिसको सोच के लोगों ने वोट दी थी भाजपा को, और विस साहब ने ऐसा कुछ करा नहीं है खास। आप कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हो, सारे अभी अधूरे ही चल रहे हैं, सब पे स्टे लगी हुई है, सारे फेल है, कुछ कुछ ऐसा नहीं है। पानी का पाइपलाइन डाली थी सीवरेज की, वो ऊंची डाल दी जी, मतलब फ्लो होना चाहिए था नीचे को, वो ऊंचा कर दिया जी, सारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, लोग परेशान है, सड़कें तोड़ दी है, बनाने का नाम ही नहीं है जी। दुनिया चाहती नहीं कि बरसात आए, पहले लोग चाहते थे कि गर्मी हो रही है बारिश आए, अंबाला वाले तो बिल्कुल नहीं चाहते बारिश आए, ऐसा कोई रोड है ही नहीं जो पूरा हुआ हो, और पानी पूरा पानी पानी हो जाता है जी, कहीं से पूरा नर्क उतर जाता है जी, बहुत बड़ा नर्क है, बहुत निकासी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बदलाव तो चाहिए कुछ। क्या नाम है आपका, बतौर युवा क्या डिमांड करते हैं? मैम, मेरा नाम राघव है, और मैम युवा होने के नाते हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे को हमारा रोजगार मिले, हमारे काम धंधे बढ़िया चले। और आजकल के एक बड़े मुद्दे चल रहे हैं कि लड़कियों के ऊपर, जो आपने देखे ही होंगे कि कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं, तो सेव गर्ल्स के एक तो हमारा एक तो मोटिव क्लब के नाम से आएगा, तो हम सेव गर्ल्स के ऊपर एक थोड़ी सी हमने सोचा कि बहुत कुछ चल रहा है इसके अंदर, एक कांड हुआ कलकत्ता के अंदर जो हुआ, उसके बारे में किसी ने बात नहीं करी, ना किसी ने कोई मुद्दा उठाया ना कुछ हुआ, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इसके हमारी
माँ बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए थोड़ा सा होए कि सारे सेफ रहे, और गुंडागर्दी गुंडा राज खत्म होना चाहिए मैम। तो 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैम हम तो यही देखेंगे कि किस चीज में जाके हमारे को कुछ मिलेगा या फायदा हमारे को कोई पार्टी करा सकती है, उसी को देख के हम तो मैम वोटिंग करेंगे कि हमारे को कुछ हमारे को पार्टी हमारे को सहयोग करे, तो जो भी पार्टी हमारे को सहयोग करेगी हम तो उनके साथ ही चलेंगे। और बदलाव तो मैम बिल्कुल जरूरी है ही है, आज अब गुंडा राज खत्म होना चाहिए मैम। गुंडा राज बहुत ज्यादा हो चुका है, गुंडा राज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव हमें जरूरी है। 10 साल हरियाणा में भाजपा रही है, पिछले बार से क्या सहूलियत मैम? सहूलियत तो क्या ही मिली है, यहाँ से निकलना आप शुरू करो आपको सहूलियत दिख जाएगी, 4 गड्ढे आपको पहले इसमें मिल जाएंगे, कोई भी निकलता हैगा कुछ भी होता हैगा, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सब गड्ढों के कारण हो रहे हैं। आम जनता क्या चाहेगी, आम जनता को, आम जनता जो नॉर्मल बंदे हैं उनको का जहाज़ों पे नहीं चल रहा, कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ देखने की रोड चाहिए हमारे को फैसिलिटी मिले। अब हर कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला तो सिर्फ यही चाहता है कि हमारे को अपना सहयोग साथ मिले और सहयोग मिले कि हमारा थोड़ा सब कुछ बढ़िया रहे, और थोड़ा सा जो है विकास के ऊपर थोड़ा ध्यान दे। जिस हिसाब से अनिल विज जी थे हमारे विधायक थे, उनके हिसाब से वो गृह मंत्री भी थे, तो उन्होंने ऐसा कोई मतलब विकास इस लेवल का विकास नहीं कर पाए हैं जहाँ तक हमें देखने को लगता है। और मैम अब इसी चीज़ को लेकर हम चाहते हैं कि बदलाव थोड़ा सा हो, और बदलाव जरूरी है। क्या नाम? मेरा नाम आकाश चौहान है, और हमने इस साल एक थीम रखी है जो सेफ गर्ल के लिए है। हमारे अम्बाला कैंट के अंदर इतना खोर है कि जो बंदा है अपना टांगरी का वहाँ पर लड़कियों को छेड़ा जाता है, डेली छेड़ा जाता है, उन्हें मुद्दे को उठाया था पर हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। ये देखो हमने थीम रखी है इस साल, और हमने नाका भी लगवाया था पर सुनवाई हो ही नहीं रही है, कोई अम्बाला पुलिस मतलब भी जागरूक नहीं हो पा रही है। जो हमारे युवा है ना कुछ करना चाहते हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हमने अभी बीच में बोला भी था ये जो चौकी हमारी, हमने जाके बोला कि हमारे भाई यहाँ पे लड़कियाँ छेड़ रहे हैं, मुसलमान बस्ती के लड़के हैं कुछ, वो लड़कियाँ छेड़ते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा, हमने रोकने की कोशिश करी तो हमारे ऊपर हथियार लेके खड़े होते हैं वो, तो हम क्या करें। तो देखिए 10 साल भाजपा का राज रहा है, और पिछले कई सालों से अनिल जो है वो आप लोगों के विधायक रहे हैं, क्या अम्बाला में विकास हुआ? मैडम विकास तो आप देख रहे हो, नालियाँ भरी रहती हैं, हल्की सी बारिश आएगी पानी भर जाएगा लोगों के यहाँ पर, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ किसी घर में पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है मैडम। बदलाव चाहते हैं अब हम, जो हमारे साथ का क्लब है बाल गणेश क्लब है, वो बदलाव चाहता है, और भी युवा है जो हम बाल गणेश को बहुत बदलाव चाहते हैं। अब कैसा बदलाव? बदलाव तो मैडम अब देख लो कि अब हम जो चाहते हैं ना कि बदलाव पूरा ही होएगा। क्या नाम है आपका? आर्यन वर्मा। देखिए 10 साल भाजपा का राज रहा है, क्या लगता है अम्बाला में कितना विकास? मेरे हिसाब से तो जीरो है जी, जहाँ हमारी माँ बहनों की कोई नहीं है तो विकास जीरो है, जब घर के बंदे सेफ रहेंगे जब भी विकास होगा जी। इसके साथ साथ क्या आने वाली सरकार से क्या? वहाँ आने वाली सरकार है जो भाइयों ने हमारे बोला है, बस उसी चीज पे विकास चाहते हैं। हाँ जी, 5 तारीख क्या सोच के वोट करेंगे? बजी सोच के वोट करेंगे जी, विकास होगा। हाँ जी, बजी आपको बताया गलियों में पानी भरता है, इसी चीज में नालियों में गर्ल्स के ऊपर, हाँ जी इसी चीज का विकास चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, युवा विकास की मांग कर रहा है, कैसा विकास चाहिए? हाँ जी, युवा परेशान है जी, मेन मुद्दा युवा परेशान है, हर चीज से परेशान है जी, एजुकेशन से परेशान है जी। ठीक है जी, हम देखते हैं बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं जी हमें कि ये कर रहा है हमारा इंडिया, वो कर रहा है जी, अंदर खोखला हो चुका है जी इस टाइम। ठीक है जी, आपको पता है रोज नवे कांड आ रहे हैं, एक के ऊपर मुद्दा उठ जाता है ना, ये नहीं कि रुक जाए प्रशासन कुछ एक्शन ले, कुछ नहीं हो रहा जी, कोई विकास ही नहीं, कोई विकास नहीं है, कोई रोजगारी में विकास नहीं है, हरियाणा नंबर वन है विकास हो रहा है, बेरोजगारी में विकास हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है उस चीज में भी विकास हो रहा है। ये शो तो कर रहे हैं कि हम ये बना रहे हैं सड़कें बना रहे हैं, विकास ये जी कुछ नहीं है जी, ये सड़कें फेल हैं जी, ये सिर्फ देखने में अच्छी लग रही है, अभी बारिश हो जाए ना 15 मिनट मैं कह रहा जी 2-3 दिन हमारे खराब है जी। तो ये थी अम्बाला छावनी की जनता, जिन्होंने अपने मुद्दे जो हैं वो रखे हैं कि किस चीजों को सोचकर इस बार 5 अक्टूबर को ये लोग वोट करने वाले हैं। पीटीआई के लिए अम्बाला से सानिया सोपटी।